को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री ट्रूडो की पोल खुल गई है। ट्रूडो ने खुद ही कबूल किया है कि भारत पर लगाए आरोपों का उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। निर्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब हर मोर्चे पर कनाडा की पोल खुल गई है। ट्रूडो ने खुद ही कबूल किया है कि भारत पर लगाए आरोपों का उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, मतलब उन्होंने बिना सबूत के ये आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, जो कनाडा भारत पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं के सांसद ये बता रहे हैं कि कैसे खालिस्तान समर्थक कनाडा के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. Let me be clear, any actions or involvement by foreign state actors within Canada in any form unacceptable. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पन्नू जैसे आतंकियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। सांसद चंद्रा आर्य का आरोप है कि पन्नू जैसे लोगों को कनाडा की सरकार का खुलेआम समर्थन हासिल है और यही वजह है कि कनाडा में हिंदू सुरक्षित नहीं है। खालिस्तान और पन्नू जैसे आतंकियों के समर्थन की बात सिर्फ कनाडा के सांसद चंद्रा आर्य ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद आतंकी पन्नू ने कनाडा के पीएम ट्रूडो से अपने रिश्तों की बात को कबूल किया है। Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network. आतंकी पन्नू ने ये भी कहा कि Six for Justice ने कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ सबूत दिए हैं। हालांकि ये कौन से सबूत थे और इन सबूतों में कितनी सच्चाई थी, इस बात की पोल अब खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ही खोल दी है। आतंकी निर्जर हत्याकांड में भारत पर आरोप लगाने वाले ट्रूडो ने अब माना है कि उनके पास ये आरोप लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है और ना ही कोई सबूत है कि भारत इसमें शामिल है। ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने भारत के साथ सिर्फ खुफिया जानकारी साझा की थी। We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. तो जिस आतंकी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच इतना तनाव है कि भारत ने अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने के साथ ही कनाडा के राजनयिकों को भारत छोड़ने तक का फरमान सुना दिया है, वो पूरी बात ही आधारहीन निकली, जिसे खुद ट्रूडो भी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात मध्य प्रदेश की।